हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फिट, हेल्दी एंड सेफ एट होम। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं कुछ मंदिरों के दर्शन करने के लिए, जिनमें महत्वपूर्ण मंदिर हैं रणजीत हनुमान जी मंदिर और माता अन्नपूर्णा मंदिर। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी दोनों ही मंदिरों के दर्शन, आप लोगों को भी कराऊंगी। चलो चलते हैं मंदिर की ओर। तो दोस्तों, ये है मंदिर का मुख्य द्वार और आज भीड़ काफ़ी है यहाँ पे। वैसे तो हर दिन भीड़ काफ़ी रहती है, परंतु आज शनिवार का दिन है तो आज भीड़ थोड़ा और भी ज़्यादा है। तो हम लोग भी लग चुके हैं लाइन में, और काफ़ी समय के बाद, लगभग 1-1.5 घंटा लाइन में लगने के बाद हम लोगों को मिलता है दर्शन करने का सौभाग्य। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी हमारे साथ करिए भगवान जी के दर्शन। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर माता रानी के दर्शन। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद अब हम आगे करेंगे भोले बाबा जी के दर्शन, जो कि महाकाल के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। जिस प्रकार महाकाल की पूजा की जाती है, उसी प्रकार यहाँ पे इनका भी श्रृंगार करके यहाँ पर भी पूजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आरती कर लेते हैं और आरती में शामिल हो जाते हैं हम भी। तो दोस्तों, यहाँ पर ओमकार के जयकारे के साथ भव्य आरती हम लोग हुए शामिल। काफ़ी भीड़ थी दोस्तों, गर्मी भी काफ़ी हो रही थी, क्योंकि आरती के समय पंखे वगैरह भी सब कुछ बंद थे, और भक्तजनों ने तालियों के साथ उच्च स्वर में आरती गाई और हम लोगों ने भी, सभी ने आरती गाई। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हनुमान जी के दर्शनों की ओर, आगे हम लगते हैं लाइन में। तो आप लोगों को मैं हनुमान जी के दर्शन भी आगे जाके कराऊंगी। यहाँ हनुमान जी का मंदिर देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर सजाया हुआ है, बहुत बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर, मनोरम मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था मंदिर। दर्शनों के बाद हम लोग आए एक मेले में, यहाँ पे लगा था मेला। तो दोस्तों, अब हम घूम रहे हैं मेले में। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखी पर लिया कुछ भी नहीं, क्योंकि क्वालिटी वगैरह कुछ ज़्यादा खास अच्छी नहीं होती है। बस रास्ते में मेला दिख गया तो सब लोग चले गए मेले में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सब लोगों को झूले में झूलना है, किसी को छोले भटूरे खाने हैं, तो इन्होंने ऑर्डर करे छोले भटूरे, और फिर सभी लोगों ने खाए मस्त होके छोले भटूरे। छोले भटूरे काफ़ी अच्छे थे फ्रेंड्स। हमें कई बार लगता है कि ऐसे मेले वगैरह में खाना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि खाने की क्वालिटी अच्छी थी। तो हमने सेकंड प्लेट भी ऑर्डर करी, पहले हमने टेस्ट प्लेट ऑर्डर करी थी, फिर हमने सेकंड प्लेट भी ऑर्डर करी और खाया अच्छे से। उसके बाद इन लोगों ने इच्छा जाहिर करी झूले में जाने की, और कृतिशा बहुत एक्साइटेड थी, और अभी ये लोग अपनी टर्न का कर रहे हैं यहाँ पर वेट, और अब ये लोग बैठ चुके हैं अच्छे से झूले में, और ये इनका स्टार्ट हो गया है ब्रेक डांस वाला झूला। मुझे तो काफ़ी डर लग रही थी, पर कृतिशा बिल्कुल भी नहीं डरी, और कृतिशा सब लोग झूले से उतर रहे हैं और कृतिशा दोबारा जाने की जिद कर रही थी। इसके बाद ये लोग बैठे थे बोट वाले में, बट मैं उसका शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत हाइट पे था। उसके बाद यहाँ पे कार में बैठे और इन लोगों ने खेले कुछ गेम्स और जीते बहुत सारे इनाम। तो गाइज, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, कृतिशा अपने प्राइजेस लेके आगे जा चुकी है और कुछ कुछ इन लोगों के हाथ में भी दिख रहे हैं। तो ये हैं भैया के फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अब हम लोग निकल रहे हैं माता अन्नपूर्णा मंदिर के लिए। इसके आगे मैं आपको दिखाऊंगी माता रानी के दर्शन कराऊंगी। और फ्रेंड्स, चलो जल्दी से चलते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं माता अन्नपूर्णा के मंदिर में, जिनका जो द्वार का सीन है वो कुछ इस प्रकार से है, और आसपास बहुत सारी पूजा की दुकानें आपको मिल जाएंगी। तो बहुत ही सुंदर मंदिर था फ्रेंड्स, अंदर भी बहुत ही अच्छी कलाकारी करी हुई थी। तो आइए देखते हैं अंदर की कलाकारी को। फ्रेंड्स, ये देखिए मंदिर कितना भव्य और कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है, पूरे संगमरमर में काम किया गया है फ्रेंड्स। इसी में संगमरमर के पत्थरों को ही गोद गोद के यहाँ पे चीज़ें बनाई हुई हैं, बहुत ही अच्छी कलाकारी है। तो हम लोग दस्तक देते हैं माता रानी के मंदिर में। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना बड़ा भव्य और सुंदर मंदिर है, और इसको बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया है। इसके जो पिलर्स हैं, इसकी जो छत है, उस पर बिल्कुल संगमरमर पे बहुत अच्छा काम किया गया है। ये देखिए कृतिशा और मयंक सर बिल्कुल पूजा पाठ में लीन हैं और अपने उज्जवल भविष्य की कामना माता रानी से कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख ही पा रहे होंगे कि कितना सुंदर और कितना बारीक काम यहाँ पर किया गया है, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मनमोहक मंदिर है माता अन्नपूर्णा मंदिर उज्जैन में। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे गए रात को,
क्योंकि ये मंदिर रात को बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। वैसे तो ये दिन में भी सुंदर दिखाई देता है, बट रात को और सुंदर दिखाई देता है। रात को भी काफ़ी भीड़ भड़ाका था। यहाँ पे मंदिर रात को 12-1 बजे तक खुले रहते हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं आगे, अभी हम घर निकलते हैं या फिर हम और मंदिर में थोड़ी देर बैठते हैं। यहाँ पर सभी लोगों ने किया मेडिटेशन। कृतिशा भी बहुत देर से कर रही थी मेडिटेट, और रोहित भी कर रहे हैं मेडिटेट। तो मेडिटेशन करके काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो फ्रेंड्स, दर्शनों के बाद हम लोग सीधे चले गए थे घर, और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और हम लोग कुछ चीज़ें भी अपने साथ लेके आए हैं, जिसमें सोया स्टिक, चना और कुछ पापड़ वगैरह लेके आए हैं हम लोग। हम लोगों ने थोड़ा नाश्ता भी बनाना है, तो हम लोग निकलते हैं फटाफट। तो दोस्तों, हम लोग घर पहुँच गए थे और ऋषभ सर ने बनाया ब्रेड क्रम्स का पोहा, और मैंने यहाँ पर बनाया कुछ ब्रेड क्रम्स के बड़े स्लाइसेस के पकौड़े। तो यहाँ पर हम दोनों ने मिलके आज रात के डिनर की करी तैयारी। तो दोस्तों, ये हैं हमारे पकोड़े जो हमने ब्रेड के उनसे मोटे मोटे जो स्लाइड्स बच जाते हैं ब्राउन वाले, उनसे बनाया। और ये हमारी ग्रीन चटनी। तो दोस्तों, ऐसा रहा हमारा आज का दिन, बहुत अच्छा रहा, बहुत एंजॉय किया। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारा नेक्स्ट ब्लॉग देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। तो यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो केवल खाने का काम कर रहे हैं।